जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः। जो संसार को चलाने की क्षमता रखते हैं, जिसके वजह से समाज चल रहे हैं और समाज के अनेक प्रकार के साचाओं को हम सुरक्षित रख रहे हैं, ऐसे सुशिक्षित लोगों के बीच में बैठा हूँ। लेकिन मैं आप सभी से एक प्रश्न करना चाहूँगा, एक शंका आपसे करना चाहूँगा। आप ये बताइएगा, आपको शांति चाहिए क्या शक्ति? आप सुशिक्षित हैं ना, बोलो, आपको शक्ति चाहिए क्या शांति? लेकिन हम 24 घंटे परिश्रम इसलिए कर रहे हैं, हमें शांति नहीं शक्ति चाहिए, हमें शांति नहीं सफलता चाहिए, हमें शांति नहीं संपत्ति चाहिए। आप क्या चाहते हो? बोलना अलग होता, अपने मन को टटोल लो। यानी इतना आसान समझ ले, कितना बड़ा काम होता है देख लेना। आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं क्या, संपत्ति चाहते हैं क्या, शांति चाहते हैं क्या, शक्ति चाहते हैं, बोलो। हाँ, संसारी प्राणी शांति नहीं चाहता, सफलता शक्ति और संपत्ति चाहता है। लेकिन याद रखना, जहां सफलता है वहां शांति हो यह संभव नहीं है, और जहां विफलता है वहां अशांति हो यह भी संभव नहीं है। प्रभु रामचंद्र विफल हो गए, वनवास चले गए। प्रभु रामचंद्र कर्म के उदय की सामना करते रहे, पाप और पुण्य के पर्वतों को चढ़ते उतरते रहे। आप लोगों को लग रहा होगा ये अनेक प्रकार के घनघोर जंगलों में पहाड़ों को चढ़ रहे उतर रहे, लेकिन मैं समझता हूं वे उन पहाड़ों को उतरना चढ़ना नहीं कर रहे थे। मैं भी जंगल में साधना करता हूँ, मैं भी रहता हूँ, और मैं यही विश्वास करता हूँ और यही विचार करता हूँ कि वास्तव में हम पहाड़ चढ़ नहीं रहे, हम पहाड़ को उतर नहीं रहे। संसारी प्राणी अनादिकाल से पाप और पुण्य को पहाड़ को चढ़ता उतरता चला आ रहा है। आप अपने जीवन में कितने पाप के पहाड़ों को चढ़े, कितने कठिनाई महसूस किए? बंधुओं याद रखना, प्रभु रामचंद्र पाप कर्म के उदय से अनेक प्रकार के दुख का सामना कर लिया, वनवास भी चले गए, किंतु वे हार गए कर्म के सामने, लेकिन वे हार कर भी जीत गए थे। और रावण सफलता हासिल कर लिया, लेकिन सिंहासन पर आसीन थे, इसके बावजूद भी उनके मन में शांति नहीं अशांति थी। प्रभु रामचंद्र वनवास में रहकर भी शांति प्राप्त कर लिया, सफलता प्राप्त कर लिया, विफल होकर के भी सफलता प्राप्त करना यह बहुत बड़ी साधना है, याद रखना। मैं छोटी मोटी बातों को बताने के लिए यहां पर नहीं आया हूं, कथा कहानी सुनाने के लिए नहीं आया हूं। और यह भी याद रखना, हे सुशिक्षितों, हे सभ्य समाज के लोगों, हे कर्मठो, जो आगे दुनिया को चलाना चाहते हैं, दुनिया में कुछ आदर्श प्रस्तुत करना चाहते हैं और अपने जीवन का निर्माण करना चाहते हैं, समाज का निर्माण करना चाहते हैं, राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, कभी विफलता से विचलित नहीं होना। साधन ही सफलता का साधन नहीं है, विफलता भी सफलता का साधन है। क्या विफलता सफलता का साधन नहीं है क्या? बोला, महापुरुषों ने, संत सत्पुरुषों ने यही किया, विफलता को भी सफलता का साधन बना लिया। और आप सफलता किसको मानते हैं? आप विफलता को सफलता मानते हैं। ये इनके इन प्रकार ने कूटनीति से दूसरों को काम नहीं होने दिया और लोगों को दिखाने के लिए बता दिया, देखो मैंने रोक दिया, मैंने काम कर लिया, ये सफलता नहीं है, ये जीवन की बहुत बड़ी विफलता है, याद रखना। आप सफलता किसको मान रहे? तनख्वाह के अलावा 10 रुपए 100 रुपए मैंने अधिक कमा लिया, इसको सफलता मान रहे? राग द्वेष से प्रेरित होकर के न काम किया न काम करने दिया, इसको सफलता मान रहे हैं क्या? सफलता की परिभाषा बाहरी द्रव्य से हम नहीं आकलन कर सकते हैं,
मैं कह रहा था आप लोगों के लिए, आप शक्ति चाहते हैं, अधिकार भी एक शक्ति है, संपत्ति भी एक शक्ति है, सफलता भी एक शक्ति है, लेकिन संसारी प्राणी क्या चाहता है कि शांति नहीं चाहता, बाकी सब कुछ चाहता है। यदि शांति चाहेगा तो विफल होकर के वह सफल हो सकता है। बंधुओं मैं कहना चाहूंगा, मैं पूछना चाहूंगा, जहां शक्ति है वहां पर शांति है क्या, बोलो? हाँ, जहां शांति है वहां आत्मशक्ति है, लेकिन जहां शक्ति है वहां शांति हो यह संभव नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से आप शांति को प्राप्त करेंगे, आप सशक्त होते चले जाएंगे, सत्य को प्राप्त कर जाएंगे, सशक्त होते चले जाएंगे। और इतना ही नहीं, आपके पास शक्ति है और शांति नहीं है, तो महाराज हमारे पास शक्ति तो है, शांति नहीं है, हम क्या करें? याद रखना, आपके पास शक्ति है, आप शांति चाहना चाहते हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप शक्ति का सदुपयोग करो, तुम्हें शांति मिल जाएगी। शक्ति का सदुपयोग कर ले, निश्चित रूप से शांति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी। व्यक्ति को कोई जेल भी भेज देता है तो भी वह मुस्कुराता चला जाता है, जिन्होंने शक्ति का सदुपयोग किया है, और दुरुपयोग किया है उनके महल में भी रखा जाता है तो भी रात में चैन की नींद सो नहीं सकता है, क्योंकि उनको मालूम है, एहसास है कि मैंने सबका दुरुपयोग किया है। बंधु विचार कर लेना, मुझे आगे बढ़ना है, मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा। वास्तव में अनेक संसारी प्राणी हैं, अनेक प्रकार के, और संसार के प्रत्येक प्राणी प्रतीक्षा में खड़ा रहता है, प्रत्येक प्राणी प्रतीक्षा में खड़ा रहता है, कोई ट्रेन की प्रतीक्षा में, कोई प्लेन की प्रतीक्षा में, कोई बस की प्रतीक्षा में, कोई प्रवचन प्रारंभ होने की प्रतीक्षा में, कोई प्रवचन छूटने की प्रतीक्षा में, संसार के प्रत्येक प्राणी प्रतीक्षा में रहता है। और इसी प्रकार अच्छे लोग भी अच्छे कर्म करने की प्रतीक्षा में रहते हैं, बुरे लोग बुरे कर्म करने की प्रतीक्षा में रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति कोई मंदिर की प्रतीक्षा में रहता है, दरवाजे खोलने की प्रतीक्षा में रहता है, कोई बंद करने की प्रतीक्षा में रहता है, सब लोग अपने अपने प्रतीक्षा में लगे रहते हैं, और अच्छे लोग भी प्रतीक्षा में रहते हैं और बुरे लोग भी प्रतीक्षा में रहते हैं। लेकिन याद रखना, कुछ बुरे कर्म वाले कुछ लोग दिन निकल आ जाए इसकी प्रतीक्षा में रहते हैं, जल्दी जाना है, विहार करना है और आहार देना है, पूजन करना है, अच्छे काम करना है, परोपकार करना है, दया करना और कर्तव्य को निभाना है, जल्दी दिन निकल जाए, सर्विस का समय हो जाए और मैं जल्दी ऑफिस पहुंच जाऊं और सबके समस्याओं का समाधान करके लौट के घर आ जाऊं, संतुष्ट होकर के शांति प्राप्त करके। बंधुओं, आप अपने कर्तव्य का परिपालन ईमानदारी से करोगे तो निश्चित रूप से आपको शांति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी। तुम्हारे लिए पैसे मिले या न मिले, लेकिन संतुष्टि तो मिली जाएगी। याद रखना, तुम पैसे भी इकट्ठा कर लोगे, पैसे प्राप्त कर लोगे, लेकिन उस पैसे से तुम शांति और संतुष्टि खरीद नहीं सकोगे, इतना याद रखना अपने जीवन में। कोई अच्छे काम कर दिन निकले इसकी प्रतीक्षा में रहता, कुछ लोगों की ये चिंता रहती है, प्रतीक्षा रहती है कब दिन डूब जाए और हम अपने काम करना शुरू कर दें। क्या मैं कह रहा था, चोर ये सोचता है दिन डूब जाए, और वो प्रतीक्षा में थे और ऐसे ही अमावस्या की रात, धीरे धीरे रात हो जाती है, रात होने के पश्चात 11-12 बज जाता है, वो खुश होता चला जाता, खुश होता चला जाता है, और होते होते समय निकल जाता, और बार बार बाहर आकर के देखता है कि अंधेरी रात हो गई है, कोई आ तो नहीं रहा, कोई जा तो नहीं रहा, कोई जाग तो नहीं रहा, इस प्रकार सोचते सोचते और देखता है कि अच्छा अवसर है, अब कोई आने वाले जाने वाले नहीं, जागने वाले नहीं है, वो समय निकल करके बाहर निकल जाता है और निकल करके अपने काम करके चल देता है। लेकिन 10-15-20 कदम आगे बढ़ता है, पीछे से एक व्यक्ति आते हुए को देखता है, वो परेशान हो जाता है, अब ये कहता है कि ये क्या हो गया, और धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है, उनके पीछे पीछे वो भी आ रहा है, और वो आगे वाला भी परेशान और पीछे वाला भी परेशान है, आगे वाला भी परेशान और पीछे वाला भी परेशान है,
और एक दूसरे को देखते देखते आगे बढ़ रहे। वो कहता ये अभी निकल जाएगा, ये कहता ये अभी निकल जाएगा, लेकिन दोनों निकल जाने को तैयार नहीं है। उसी बीच में तीसरा व्यक्ति और आ जाता है और उनके पीछे एक चौथा व्यक्ति और आ जाता है। इस प्रकार चलते चलते आधा पौन घंटे लग जाता है और उसके बाद टाइम निकल जाता है। और पहला वाले व्यक्ति सोचता आखिर ये मेरे पीछे क्यों कर रहे, सो उनसे पूछ तो लूं ये कौन है, पर रुक जाता है। दूसरा आकर के उनको टकरा देता और कहता है कि पहले वाले ने पूछा बेटा तुम कौन हो, क्यों पीछे कर रहे हो। उनने कह दिया कि मैं चोर हूँ। उसने पूछा तुम कौन हो, उनने कह दिया मैं भी चोर हूँ। उन्होंने कहा यदि पहले ही मालूम होता तो कितना अच्छा काम होता, इतना समय तो बर्बाद नहीं होता। चलो देखते हैं ये लोग आ रहे, इनसे भी पूछ लिया जाए। वो भी आता है, वो भी उनको टकरा जाता है। उनसे पूछा जाता है बेटा तुम कौन हो, वो कहता मैं भी चोर हूँ। चारों लोग कौन निकले, चोर निकले, और दो चारों ने मिलकर के इतना समय निकल गया, 3:30-4 बज गया। सोचते यदि पहले ही हम मिल लिए होते तो बहुत बड़े काम को अंजाम देते, अब क्या करें, कुछ नहीं करना। सभी ने मिलकर के निर्णय कर लिया आज मुहूर्त तो शुरू कर ले, मुहूर्त से काम तो कर ले, 1:40 हो गए। उस प्रकार सोच करके उन्हें काम करना से क्या करे, कुछ नहीं, कहीं भी बाहर झोपड़ी में कोई गाय बांधी है तो गाय को चुरा के ले चले, लेकिन आज प्रारंभ तो करे। गाय तो चुरा के ले गए और चुरा के ले जाने के बाद अब बंटवारे की बात आ जाती है। बंटवारे की बात आने के बाद सब परेशान हो जाते हैं, वो कहता है कैसे बंटवारा की जाए। और अंततः सब ने बुद्धिमत्ता लगाई और ध्यान से काम किया और ढंग से काम करके सबने निर्णय लिया अब क्या करे जाए, गाय की बंटवारा कैसी की जाए, तो ऐसे कर लिया एक दिन गाय इनके पास पहुंचा दिया जाए और वो खिलाएगा पिलाएगा दूध निकालेगा, दूसरे दिन दूसरे के पास पहुंचा दिया वो खिलाएगा पिलाएगा दूध निकालेगा, तीसरे दिन तीसरे के पास, चौथे दिन चौथे के पास। इस प्रकार सोच करके तय हो जाता है किस क्रम से किसको गाय कहाँ पहुँचाना, ये भी निर्णय हो जाता है, उस प्रकार काम भी चालू हो जाता है। लेकिन पहले दिन जो गाय लेकर गया था वो सोचता है कल तो भूखाए ने खूब खा लिया पी लिया है, अब हमको खिलाने की पिलाने की आवश्यकता क्या है, आगे वाला भी ले जाएगा तो वो तो खिलाएगा पिलाएगा ही, हम तो दूध निकाल ले अपने छोड़ दे। दूसरे के पास पहुंचा दिया तो वो भी ये कहता है कि हमें इतना परिश्रम चारा लाने की पानी पिलाने की क्या आवश्यकता है, हमें तो दूध से मतलब है, पीछे वाले ने खूब खिलाया पिलाया है आगे वाले भी खिलाएगा पिलाएगा। इस प्रकार 4-5 दिन गाय को भूखे घुमाते हुए निकलता चला जाता है, दिन निकलता जाता है, दो दो पारी इनकी हो जाती है, गाय मरणासन्न स्थिति हो जाती है, गाय समाप्त हो जाती है। बंधुओं मैं आपके लिए कह रहा था आज संसार के प्रत्येक प्राणी व्यक्ति अधिकार चाहता है लेकिन कर्तव्य करना नहीं चाहता है, अधिकार तो चाहता है लेकिन दायित्व निभाना नहीं चाहता है। मैं अधिकारियों से कहना चाहूँगा आप अपना कर्तव्य का परिपालन करेंगे तो ही तुम्हारा अधिकार पाना सार्थक है, अन्यथा तुम्हारा अधिकार पाना किसी काम का नहीं है। मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गुप्ता जब मानव अधिकार के अध्यक्ष थे, मालूम है क्या आप लोगों के लिए, उस समय जब आए उन्होंने कहा कि महाराज मैं आपकी खड़ाऊँ लेकर के घूम रहा हूँ, मेरे के लिए बहुत आवश्यकता है, संपूर्ण मनुष्य मात्र के लिए आप संकेत दे दो। मैंने उनको कह दिया था हे मानव अधिकार के आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गुप्ता जी याद रखना बुढ़ार की बात है, मैंने कह दिया आप मनुष्यों को उनका अधिकार मत दिलाओ मत दिलाओ मत दिलाओ। मैंने कह दिया महाराज आप कैसे बात कर रहे हो, हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, आप तो मनुष्यों को उनका अधिकार मत दिलाओ, उनको अपना दायित्व निभाना सिखा दो, अधिकार अपने आप मिलता चला जाएगा। आज व्यक्ति दायित्व निभाना नहीं चाहता और अधिकार प्राप्त करना चाहता है, इसीलिए दुखी है, सबको दुखी कर रहा है। मुझे अपना अधिकार मिले या न मिले लेकिन मैं अपना दायित्व निभाता रहूंगा, याद रखना। आप क्या चाहते हो, अधिकार निभाना चाहते हो क्या दायित्व निभाना चाहते हो, बोलो अधिकार चाहते हो क्या दायित्व निभाना चाहते हो। एक बात याद रखना, कर्तव्य परायण बनना, कर्तव्य में कमी नहीं लाना, तुम जैसे क्रूर कोई नहीं होगा यदि तुम कर्तव्य का परिपालन नहीं कर रहे तो। कर्तव्य का परिपालन कौन नहीं कर सकता, कष्ट से पीड़ा से तड़पते हुए व्यक्ति को देखते हुए भी यदि कोई कर्तव्य का परिपालन नहीं कर रहा है वो करना हो सकता है क्या, बोलो। जंगल वाले बाबा।